नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। धर्म गंगा में आज हम बात करेंगे उस दिन की जो आज का दिन है, फादर्स डे। तीन लोगों को मत भूलिए फादर्स डे के दिन। एक तो सबसे पहले पापा आपके, दूसरे नंबर आपकी मम्मी और तीसरे नंबर गुरुदेव। एक शख्सियत, एक व्यक्तित्व और एक विराट व्यक्तित्व और एक महाविराट व्यक्तित्व और है जो चौथे नंबर पर आता है, कायदे से सबसे पहले नंबर पे आता है, वो है भगवान, आपके आराध्य देव। कोई भी है, माँ है, भवानी है, शंकर जी है, रुद्र है, हनुमान जी है, राम जी है, कृष्ण जी है, गणेश जी है, जो भी आपके आराध्य है वो आपके प्रथम गुरु है। क्योंकि इस विश्व में जब उन्होंने भेजा आपको बना करके, प्रथम आपके पिता है वो, सबसे पहले पिता वही, परम पिता है उन्हीं को तो कहते हैं। जब उन्होंने इस पृथ्वी पर आपको भेजा तो आपको जो नेचर दिया, प्रकृति दी, जो सहज प्रकृति थी, जो जड़ में भी एक प्रकृति है, चेतन में भी एक प्रकृति है, पशुओं में भी है, प्राणी हर प्राणी में है, वो आपको भी मिली है अपने आप को बचाने की, अपने आप को जीवित रखने की। जो स्वाभाविक सहजात प्रतिक्रियाएं और प्रक्रियाएं हैं आपके शरीर की, आपके जीवन की, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। वो प्रथम शिक्षा है आपके पिता की, परम पिता की आपके लिए, वो प्रथम उपहार है। उसके बाद जिस माता ने जन्म दिया वो आपके प्रथम गुरु है, प्रथम माता है, और सॉरी प्रथम गुरु है, भगवान से भी पहले है, आपकी माँ भी है और आपका पिता भी वही है। शिक्षा भी देती है, पालन भी करती है, आशीर्वाद भी देती है, तीनों रूपों में, ईश्वर के रूप में भी, गुरु के रूप में भी और शिक्षक के रूप में भी, चौथे रूप में भी है, वो पिता के रूप में भी है। क्रोधित भी होती है, पीछे से सपोर्ट भी करती है, लेकिन माँ का विशाल हृदय पिता के हृदय के बराबर नहीं, उससे और विशाल है। पिता बहुत बहुत विशाल है, पिता का जीवन आपके लिए है, माँ का तो जीवन भी आपके लिए है, माँ की तो दुनिया भी आपके लिए, माँ की तो आत्मा भी आपके लिए है। ये है फर्क, दोनों प्रभु हैं, दोनों भगवान हैं, गुरु भी भगवान है। कैसे जी? वो भी पिता की तरह आपका पूरा ध्यान रखते हैं, आपकी समस्याओं का निपटान करते हैं। हर समस्या को लेकर अपने गुरु से बात कीजिए, गुरु में ईश्वर को देखिए, आपकी समस्या का समाधान ईश्वर आपके गुरु के माध्यम से देखे। तो फादर्स डे पर आप याद रखिए, सबसे पहले तो माँ के चरण धोइए, माँ के चरणों पर सिर रख के साष्टांग दंडवत कीजिए, अपने माथे के स्पर्श, उनके चरणों में स्पर्श कीजिए और माथे पर वो शीतलता महसूस कीजिए जो आपके पूरे जीवन को वैभव युक्त बना देगी। वो माँ का आशीर्वाद है, माँ के चरणों से आपको मिल रहा है। माँ हाथ से तो हमेशा आशीर्वाद देती है, चरणों से आप ले लीजिए उनसे आशीर्वाद, द्रवित हो जाएगी माँ, भाव विवल हो जाएगी। सिर पर हाथ रखवाइए, उसके बाद यही क्रम आपको अपने पिता के साथ भी करना है। चरणों में सिर रख के साष्टांग दंडवत कीजिए, जमीन पर लेट जाइए और उनसे कहिए आपके सिर पर हाथ रखे। आशीर्वाद का मत कहिए, आशीर्वाद तो अपने आप मिलेगा मित्र, बोल के मिले या मन में मिले आशीर्वाद तो कई बार माता पिता को शर्म भी आती है बोलने में, लगता है कि कैसे कहें कल्याण मस्तु, कल्याण हो तुम्हारा। उसके बाद जाइए गुरु के पास, उनके चरणों में सिर रख करके दंडवत कीजिए, वो तो हाथ रखेंगे आपके माथे पर अपने आप ही, नहीं तो रखवाइए और वो आपको बोलेंगे कल्याण मस्तु। कल्याण में सब कुछ है, कल्याण में कृपा है, जीवन का हर पक्ष है, भौतिक सुख सुविधा है, जीवन का मोक्ष है, आपके सज्जनता का द्वार है, स्वर्ग का द्वार खुल रहा है इस आशीर्वाद से, सब कुछ प्राप्त हो रहा है, क्या नहीं सब कुछ। तो फादर्स डे पर आज आप सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अपने फादर को जो चार रूपों में आपके आसपास है, माँ के रूप में, पिता के रूप में, ईश्वर के रूप में और गुरु के रूप में, चारों को दंडवत कीजिए, प्रणाम कीजिए, हृदय से उनको धन्यवाद दीजिए, आप हैं इसलिए मैं हूँ कहिए उनको। जाते जाते याद दिलाऊंगा हमेशा की तरह, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।